संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू भाई। हरियाणा की राजनीति में ट्विस्ट आ रहा है और जो देखा बार बार जगह जगह रैलियां का दौर भी चल रहा है और टिकड़मबाजी का दौर भी चल रहा है। ये बात करा भाई ताऊ देवी लाल का जो सम्मान दिवस मनाया, किते तो 22 सितंबर ने मनाया और किते 25 सितंबर ने मनाया। तो 25 सितंबर का जो सम्मान दिवस कैथल में मनाया गया, उसमें भाई सारे अपने दिग्गज या चाहे पार्टी सुप्रीमो ने अपनी अपनी बात धरी। ओड़े अगर अभय चौटाला की बात करें तो भाई उसका भाषण भी घना ही पेचीदा था और उसकी बात के घने मतलब लिखने थे भाई। मतलब समझने खातर उसका भाषण ध्यान से सुनना पड़ेगा। और जब हम दर्शकों से मैं एक बात कहूँगा कि उस भाषण में जब 2-3 बार सुनोगे, जब उसके पेज सुन जाएंगे तो उस भाषण में के खास बात कही अभय चौटाला ने भाई, तो सुनो उसने ध्यान से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चल नायक श्री अभय सिंह चौटाला। मेरी आप साथियों से भी अनुरोध है कि आप भी बैठ जाओ, आपके पीछे बहुत लोग जो हैं उनको दिक्कत होती है। आप जहां खड़े हैं वहीं बैठने का कष्ट करो, बैठ जाओ एक बार। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच में विशेष रूप से नागालैंड के चल करके आए। पूर्व में रहे नागालैंड के स्पीकर, पूर्व में रहे होम मिनिस्टर श्री थानचू जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बीडी ढालिया जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के सभी पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसदगण, पार्टी के हलका के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज लाखों की संख्या में कैथल की पावन धरा पे आकर के आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनको श्रद्धा के सुमन भेंट करने के लिए आए हुए हरियाणा प्रदेश के लाखों मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहूंगा। आज ये जो लाखों लोग कैथल में आए हैं, ये लोग जहां चौधरी देवीलाल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, जहां चौधरी देवीलाल जी को सम्मान देने आए हैं, वहीं साथ के साथ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, आने वाले 21 तारीख को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आज ये लाखों लोग, आज बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहने अपना घर का खेत का सारा काम छोड़ करके यहां इसलिए भी आए हैं कि 21 अक्टूबर को जब विधानसभा का चुनाव होगा और 24 तारीख को जब नतीजे आएंगे, जहां प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, वहीं साथ के साथ कांग्रेस का एक बार फिर सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और फिर दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश में प्रदेश आपके द्वार सरकार लाए, फिर से आपके बीच में वो नारा
जो चौधरी देवीलाल ने दिया था कि भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और बिजली और पानी का प्रबंध करूंगा, उस नारे को साकार करने के लिए आज ये लाखों लोग यहां पे मौजूद है। मैं पत्रकार साथियों से फिर से कहूंगा कि ये सारे के सारे लोग आज इस बात की शपथ भी लेकर के जाएंगे कि अब हम 21 तारीख तक ना तब तक चैन से घर में बैठेंगे जब तक हरियाणा प्रदेश से भाजपा सत्ता से बाहर ना हो जाए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ ना हो जाए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से सत्ता में ना आ जाए। हम इस बात की शपथ लेकर के जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार इन प्रेस के साथियों को अपने दोनों हाथ खड़े करके बता दो कि हम फैसला करके आ जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश में सत्ता में लाने का काम करेंगे। साथियों, आज प्रदेश में 5 वर्ष के करीब हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए। अगर मैं इस सरकार का 5 साल का लेखा जोखा आपके सामने पेश करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरे बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनको आज आप सुनने के लिए आए हो, जिनको सुनने और देखने के लिए आप लंबे समय से लालायित थे, जहां आपके बीच में हांसी की फरवरी की रैली में जब आए थे उस वक्त आपको खुले रूप से एक बात कह करके गए थे कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर फिर आपके बीच में होऊंगा और चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को हम सब लोग बड़े धूमधाम के साथ मना करके हरियाणा प्रदेश से भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए अगली लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनना चाहते हो, लेकिन मैं दो बात आपके बीच में कह करके अपना स्थान ग्रहण करने का काम करूंगा। साथियों, 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री रोजाना अखबार की सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज नई नई घोषणाएं करने का काम करते हैं, जहां मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने रोज कैसे नई और दिक्कत कठिनाई खड़ी हो उसके लिए योजनाएं बनाने का काम करते हैं। मुझे पिछले दिनों अखबारों में मुख्यमंत्री ने जब अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करी थी, मैं रोजाना अखबार खोल करके जब देखता था बड़ी हैरानी होती थी कि उस अखबारों के 3-3 पेज पे मुख्यमंत्री का फोटो लगा करके सरकार के गुणगान किए जाते थे। हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई को करोड़ों करोड़ों रुपया रोज पानी की तरह बहाया जा रहा था, वहीं जहां अखबारों के अंदर ये सारी चीजें थी, आप बैठ जाएं पीछे बहुत साथी खड़े, जहां अखबारों के अंदर लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के पोस्टर दिए जाते थे, वहीं उसके साथ साथ साथियों टेलीविजन के अंदर हर 2 मिनट के बाद सरकार की एड चलती थी, उन एड के ऊपर भी सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी 1 महीने की उस यात्रा के दौरान एक बार भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में ये नहीं कहा कि मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए 5 वर्ष में कौन से ऐसे विकास के काम कराए हैं जिनकी वजह से आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं देख रहा था उनकी आशीर्वाद यात्रा को, जहाँ कई लोग सैकड़ों की संख्या में गलती से इकट्ठा हो गए, मुख्यमंत्री उनके बीच में जाकर के आशीर्वाद लेने की बजाय बस के 20 फुट ऊपर चढ़ करके लोगों से कह रहा था मुझे आशीर्वाद देने का काम करो। एक जगह पे कुछ ब्राह्मण इकट्ठा हुए और उन्होंने भगवान परशुराम का जो बर्छा था वो उनको गिफ्ट करने का काम किया था। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, वहीं साथ के साथ उनके कार्यक्रम को यूट्यूब पे लाइव दिखा रहा था। मुख्यमंत्री ने जहां वो बर्छा लेकर के उन ब्राह्मणों का धन्यवाद करना चाहिए था, धन्यवाद करने की बजाय अपने एक साथी को मुड़ करके कहता है कि अगर तू आदमी नहीं बना तो इस बर्छे से तेरी गर्दन काटने का काम करूंगा। जहां ब्राह्मणों का अपमान किया वहां पार्टी के लोगों को भी अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने के बाद केवल 3 काम किए हैं। साथियों, अगर मैं विस्तार से उनकी भी चर्चा करूंगा तो टाइम लगेगा। पहला काम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हरियाणा प्रदेश को
जात पात मजहब और धर्म के नाम पे बांटने के लिए हमारे बीच में 35 और 36 जात के नारे लगाने का काम किया, जहां महाराज रामपल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के चंद लोगों को उसके डेरे पे जाना चाहिए था, जहां हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा करके उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, वहां मुख्यमंत्री की केवल नियत साफ ना होने की वजह से केवल लोगों में दहशत फैलाई जाए इसके लिए वहां कई बटालियन पुलिस की भेज दी गई, जहां पुलिस की इतनी सारी बटालियन गई जो डेरे के अंदर बैठे हुए लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया, तो विरोध करने के बाद उन्हें समझाने बुझाने की बजाय उन पे गोलियां चला करके 6 लोगों को पहले 6 महीने में मौत के घाट उतारने का काम किया। उसके बाद जहां जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, जहां जाट आरक्षण आंदोलन पिछली कांग्रेस की सरकार ने केवल वोट के लालच में देने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट में जब वो आंदोलन खत्म हो गया तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वयं हमारे सामने वायदा किया था कि मैं इन 5 जातियों को फिर से आरक्षण में शामिल करने का काम करूंगा, जहां मुख्यमंत्री को अपनी बात को सिरे चढ़ाना चाहिए था, अपना किया हुआ वायदा पूरा करना चाहिए था, वायदा पूरा करने के बजाय 15 महीने तक उन 5 जातियों के लोग जो फिर से आरक्षण में शामिल होना चाह रहे थे उन्हें शामिल करने की बजाय इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि उन्होंने जाकर के रेल के ट्रैक रोक लिए, सड़कें रोक दी, सड़कों के साथ के साथ स्टेट के हाईवे बंद कर दिए, जहां बातचीत के जरिए उस आंदोलन को खत्म करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को उनसे जाकर के कहना चाहिए था कि मैं अपना किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। साथियों, जहां विपक्ष के सारे साथियों को बुला करके बैठक करके वायदा किया था, जहां उनसे कहा था कि हम लोगों के बीच में जाकर के कहेंगे कि हम आपकी बात को मान करके इसी विधानसभा के सत्र में आपको आरक्षण दे देंगे, बजाय ये बात कहने के 31 मार्च का नाम लेकर के कहीं उन लोगों की भावनाओं को फिर से ठेस पहुंचाने का काम किया, और जब लोगों के सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा तो लोगों ने और ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। लोग जब विरोध कर रहे थे तो 32 नौजवान बच्चों को इसलिए मार दिया, इसलिए उन 32 नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतार दिया कि कहीं मैं दहशत फैला करके इस आंदोलन को खत्म करने का काम करूं। लेकिन 32 को मारने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर ना केवल इस तरह के हालात पैदा हो गए थे, बल्कि देश का मीडिया लिखने लग गया था कि अब मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा, हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति इस बात के लिए टेलीविजन के सामने आकर के खड़ा हो गया था कि ये सरकार फेल हो चुकी है। फिर उन लोगों के साथ बातचीत करी, फिर उन लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाया कि इसी सेशन में आपको आरक्षण देंगे, जहां 32 आरक्षण के दौरान मारे। साथियों, इस सरकार ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया था। आप याद करो, जब पिछला चुनाव हो रहा था उस चुनाव के 3 दिन पहले जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जबरदस्ती फिर से हाईकोर्ट में खड़ा करवा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए, चौटाला साहब को मजबूरन सरेंडर कराया गया था। वहीं उसके साथ साथ डेरा सरसा के प्रमुख के ऊपर सीबीआई से दबाव डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे बयान दिलवा दिया था कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डेरे का एक एक प्रेमी वोट डालने का काम करेगा। साथियों, 15 ऐसी सीटें थी जो 3 से लेके 1500 तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल इसलिए हार गई थी कि वहां डेरा के प्रेमियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल दिया। वहां बीजेपी के 15 विधायक जीत गए, अगर वो वोट ना डालते, अगर वो सत्ता के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद ना करते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना हो करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में सत्ता में होती। साथियों, जहां उन लोगों का आसान सरकार को उतारना चाहिए था, सरकार ने आसान उतारने की बजाय जब राम रहीम जी की कोर्ट में पेशी हो रही थी, जब कोर्ट उनका फैसला करने जा रही थी, तो हरियाणा प्रदेश से लाखों लोगों को ये कह करके सरकार में बैठे लोगों ने बुलाया था कि आप हमारे मेहमान बन करके आओ, हम आपकी रहने का खाने का ठहरने का प्रबंध करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, जब कोर्ट की तरफ से डेरा के प्रमुख को गिल्टी करार दे दिया गया, जब उनको सजा आपता कर दिया गया, तो संभाविक था कि उनके जो अनुयायी आए हुए थे उन्हें इस बात को लेकर के पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं इस बात पे गुस्सा इजहार कर रहे थे।
जहां उन लाखों लोगों को फिर से समझा बुझा करके वापिस भेजना चाहिए था, वापिस भेजने की बजाय एक घंटे के अंदर 48 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 200 से ज्यादा लोग आज भी गायब है। जिन लोगों ने इनको सत्ता सौंपी थी, इन भाजपा के लोगों ने उनको भी बख्शने का काम नहीं किया। उसके अलावा तीसरा काम अगर इन्होंने कोई किया हरियाणा प्रदेश में, तो हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। जहां नौकरी देने का वायदा किया गया था, जहां कहा गया था 5 लाख पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी प्रदान करेंगे, नौकरी प्रदान करने की बजाय उन बच्चों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जब एग्जाम देने जाते हैं तो 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हमारी बहन बेटियां जो कोई नौकरी की इच्छुक होती है, आज बेरोजगारी की मार प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे रोजगार मिले, नौकरी मिले, मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। लेकिन इस सरकार ने केवल उनको कैसे लूटा जाए, इसके लिए 100 रुपए फार्म के सरकार ने लिए। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने की बार नौजवान पढ़े लिखे बच्चों ने कलर्क के एग्जाम के लिए फार्म भरा था। बड़ी हैरानी की बात है, कलर्क का एग्जाम देने के लिए फरीदाबाद के व्यक्ति को सरसा जाना पड़ता है, सरसा के व्यक्ति को कालका जाना पड़ता है, कालका के व्यक्ति को एग्जाम देने के लिए महेंद्रगढ़ रिवाड़ी जाना पड़ता है, जहां अम्बाड़ा के व्यक्ति को मेवात जाना पड़ता है, मेवात वाले को एग्जाम देने के लिए फतेहाबाद जाना पड़ता है। कितना मुश्किल काम है। जो बच्चे, जो हमारी माताएं बहने हैं, जो उस एग्जाम को देने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करती है, हर के घर में आज साधन नहीं है। बहुत सी लड़कियों को बसों में बैठ करके एग्जाम के लिए जाना पड़ता है। पहले दिन जब वो वहां पहुंचती है, उनके ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की जगह न होने की वजह से वो बच्चियां उस एग्जाम को देने की बजाय वापिस अपने घर चली जाती है। केवल यहीं तक नहीं, इस एग्जाम के चक्कर में हरियाणा प्रदेश में अब से पहले 18 नौजवान बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी, जिनके एक्सीडेंट हो गए, जो मौत के मुंह में चले गए। इस सरकार को आज भी इस बात को लेकर के एहसास नहीं हो रहा। मैं अखबार पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री कह रहा था कि अगली बार हम डिस्ट्रिक्ट के नजदीक लगते डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे। मैं नौजवान पढ़े लिखे भाई साथियों से एक वायदा करता हूं, आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करो, सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करो। जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर बाहर से जो उद्योग लगे हुए हैं, बाहर से जो कॉमर्शियल सेक्टर में आए हुए लोग हैं, जिनके दफ्तर बने हुए हैं, हम आपसे वायदा करते हैं 75% पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को हम हरियाणा प्रदेश में उन कारखानों में, उन कॉमर्शियल बिल्डिंगों में रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां उनको रोजगार और नौकरी देंगे, खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि आगे से जो एग्जाम होगा वो अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा, आगे से एग्जाम खट्टर की सरकार में नहीं होगा, अगला एग्जाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में होगा। और जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार में होगा तो नौजवान पढ़े लिखे बच्चों के साथ वायदा करते हैं, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपका सेंटर आपके गांव से 5 किलोमीटर के ऊपर बढ़ा करके देंगे, ताकि हर बच्चा जाकर के एग्जाम दे सके। जहां आपका सेंटर नजदीक बना करके देंगे, वहीं अगर किसी को कहीं दूसरी जगह शहर में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा, तो चौधरी देवीलाल ने सदा पढ़ा लिखा नौजवान गांव का कैसे आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने उसको बस के अंदर केवल जो उसका रजिस्ट्रेशन लेटर आता था एग्जाम देने का, वो दिखा करके और बस में चढ़ करके वो बच्चा चला जाता था। जहां वो बस में चढ़ करके जाता था तो बस में उससे किराया नहीं लिया जाता था, वो मुफ्त में अपना एग्जाम देने जाता था और मुफ्त में अपना इंटरव्यू देने जाता था। हम भी फिर दोबारा से चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे और पढ़े लिखे नौजवान को मुफ्त बस में सफर करके अपना इंटरव्यू दे सके, इसका इंतजाम करने का काम करेंगे। साथियों, बात बहुत सारी है आपके बीच में कहने की, केवल थोड़ा सा समय और आपका लूंगा। चौटाला साहब के आपके बीच में वादा नहीं बनना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनाई, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौधरी देवीलाल ने सदैव अपनी जिंदगी में जब कभी भी सत्ता में आए थे, लोगों के हितों के लिए बड़े बड़े काम करने किए थे। जहां उन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, वहीं गरीब के किसान के खेत के साथ सरकारी दरखत जो था उसका आधा हिस्सा उस किसान को देने का काम करा था। गांव गांव में हरिजन की, बैकवर्ड की, पिछड़े की चौपालें बनाई थी। वहीं उसके साथ साथ गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना हो,
5100 रुपए कन्यादान के रूप में देने का काम किया था। आज जमाना बदल चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। जहां चौधरी देवीलाल ने किसान का कर्जा माफ किया था, आज किसान कर्जे से डूबा हुआ है। केवल किसान ही नहीं, किसान के साथ साथ छोटा दुकानदार कर्जे में है। वहीं पिछड़े वर्ग के लोगों ने छोटे मोटे उद्योग धंधे के लिए कोई कटूर लगा रखा है, आज वो भी कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ है। आज अगर किसी गरीब हरिजन ने, किसी भाई शेड्यूल कास्ट के ने गाय भैंस भेड़ बकरी का लोन ले रखा है, वो भी आज वो पैसा वापिस करने में असमर्थ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जब आप बनाओगे, बढ़ाते ही सबसे पहले पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो 10,000 का कर्जा है, चाहे वो 10 लाख का कर्जा है, हम सारा का सारा कर्जा पहली कलम से जड़मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। जहाँ कर्जा माफ करेंगे, वहीं उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को जो सुविधाएं मैंने पहले बताई, जहाँ वो प्रदान करेंगे, वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। कोई बच्चा नौकरी से, रोजगार से वंचित रह जाएगा, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी सरकार में पहले भी पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था, हम उस भत्ते को बढ़ा करके 15,000 रुपया नौजवान पढ़े लिखे को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जहाँ बेरोजगारी भत्ता दे करके उसको सम्मानित करेंगे, वहीं उसके साथ साथ आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, आज इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो हमारी वो बहन बेटियां जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ती है, या उनके वो माँ बाप जो घर में बैठ करके इस बात की चिंता करते हैं कि मेरी बच्ची स्कूल से सुरक्षित आएगी या नहीं, मेरी बच्ची कॉलेज पढ़ने गई है, पता नहीं किन हालात में मुझे मिलेगी। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आप अपनी सरकार बनाने का काम करो, जहां हम बेटियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे, वहीं बेटियों को उच्च शिक्षा मुफ्त दे करके उसे शिक्षित बनाने का काम करेंगे। और जब बेटी शादी के लायक हो जाएगी तो कहीं उसको इस बात को लेकर के ससुराल के अंदर ताना ना सहना पड़े कि तू अपने साथ क्या लेकर के आई है। हम उसको 5 लाख रुपया कन्यादान का देंगे ताकि उस बेटी का अपने ससुराल के अंदर भी मान सम्मान बढ़ सके। जहाँ 5 लाख रुपया हम अपनी बेटी को कन्यादान के देंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश में आज बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, किसान को ट्यूबवेल पे बिजली मिलती नहीं है। पंजाब के तर्ज पे हरियाणा के किसान को भी ट्यूबवेल की बिजली सारी की सारी माफ करेंगे, वहीं घर का बिजली का बिल भी हाफ करने का काम करेंगे, आधा करने का काम करेंगे। जो पेंशन सामाजिक चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, जो हमारे बुजुर्गों का एक मान और सम्मान चौधरी देवीलाल ने दिया था, जो 100 रुपया माहवार पेंशन शुरू करके बुजुर्ग को मान सम्मान प्रदान किया था, आज वो बढ़ करके 2,000 तक होगी। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हर रोज 100 रुपया पेंशन का हर बुजुर्ग के माता के, हर बड़े बुजुर्ग के हाथ में देख करके 3,000 रुपया महीने की पेंशन देने का काम करेंगे। जहां 3,000 रुपया पेंशन देंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब पीछे हांसी में आपसे मिले थे, उन्होंने खुल करके आप लोगों से कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा नौजवान जो सीमाओं की पहरेदारी करता है, जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे देश को बचाने का काम करता है, उस नौजवान को इस बात की चिंता भी नहीं करनी होगी कि कल उसका घर पीछे से कैसा होगा, जिस दिन वापस रिटायर होकर के घर आएगा, हमारी सरकार की तरफ से उसको 200 गज के अंदर 2 कमरों के साथ मकान बना करके दिया जाएगा ताकि उसकी वो चिंता खत्म हो जाए। साथियों, मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लेकिन क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है और चौटाला साहब को आप सुनना चाहते हैं, आप सब ने मेरी इन सारी बातों को सुनने का काम किया। मैं उम्मीद करूंगा और एक बार फिर पत्रकार साथियों से, एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पत्रकार साथियों से ये बता दो कि हमें कोई ढोक करके नहीं लेकर के आया, हम किसी के किराए की गाड़ी में बैठ करके नहीं आए, हम अपने पैसे खर्च करके आए हैं। लोग शराब पिला करके लोगों को लाते हैं, लोग अपनी रैलियों में पैसे दे करके, पैसे बांट 200-200 रुपए दे करके, जिनके वीडियो वायरल होते हैं, दिखाए जाते हैं कि कैसे रैली के अंदर लोगों को पैसे दे करके लाया जाता है और फिर उन पैसों के लिए लोग कैसे उनके पीछे दौड़ते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति, ये मेरी माताएं बहनें, ये सारी अपनी जेब से पैसा खर्च करके आज आपके बीच में आई है। ये केवल हरियाणा प्रदेश में बदलाव लाने के लिए, चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आई है। एक बार हाथ खड़ा करके कहो कि हम बदलाव लाएंगे, हम बदलाव लाएंगे।
आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।